ईमानियात में अब दूसरी चीज़ फ़रिश्तों पर ईमान है इसके लिए मैंने क़ुरान मजीद की जिस आयत को सरेवान बनाया है ये शूरा फातिर था की पहली आयत है फरमाया, फरमायादिल्ला फ़ातर समावत व लर्त उली अजनहतिन मसना व सलासा व रुबा यजीदुलफिल्ख़ल की मा षा इन कदीर शुक्र शक्रा ही के लिए है ज़मीन और आसमानों का खालिक, फ़रिश्तों को पैगाम रसा बनाने वाला जिनके दो दो तीन तीन चार चार पर हैं वो खलक़ में जो चाहे इजाफ़ा कर देता है यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है आयत के इंतब की वजह ये है कि इसमें फ़रिश्तों पर ईमान का बायस जो चीज़ बनी है उसको ख़ास तौर पर नुमा किया है यानी जालकत रसला फ़रिश्तों को पैगाम रसा बनाने वाला मैंने लिखा है अल्लाह जिन हस्तियों के ज़रिए से मखलूक़ात के लिए अपना हुक्म नाजिल करते हैं उन्हें फरिश्ते कहा जाता है अरे ये बात कुरान मजीद से बिल्कुल वाज़ हो जाती है कि फरिश्ते कुछ नादीदा कुतों का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह तला की साहिब इरादा मखलूक़ में से एक इंतहाई बरतर मखलूक का नाम है वो परवरदिगार जिसने ख़ुद हमारी दुनिया में जिसे हम देखते हैं सैकड़ों हज़ारों लाखों की तादाद में मखलूक़ पैदा करती हैं उसी ने हमें ये बताया है कि दो और मखलूक भी हैं जो तुम्हारी ही तरह साहिब इरादा हैं जिनको अल्लाह ताला ने तूरता फ़रमाया है जिनके साथ वो मुखातबत फरमाता है वो अगरचे तुम्हारे लिए गैर मरई हैं लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो भी उसी की मखलूक़ात हैं उनमें से एक फरिश्ते हैं दूसरे जन्ात जन्नत से मतलब महज इतला मिली है इसलिए कि वो किसी न किसी हवाले से दुनिया में जेर बहस रहे हैं क़ुरान में भी उनका ज़िक्र इसी पहलू से हुआ है यानी चूँकि मुश्किन अरब के यहाँ बाज़ तोहमात उनसे वाबस्ता हो गए थे उनको अल्लाह के साथ भी एक ऐसी नस्बत दे दी गई थी जिससे शर्क पैदा होता था उनके बारे में बाज़ ऐसी चीज़ें मान ली गई थी जिसकी बुनियाद पर कुरान के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि ये जिन्हों का कलाम है चुनाचे वो जेर बहस आ गए उनका मामला क्या है उनके साथ अल्लाह ताला क्या करने वाले हैं उनकी तरफ अम्बिया की बेसत कैसे होती है उनको किस इम्तहान में डाला गया है उनका अंजाम क्या होगा उनके और हमारे माबे ताल्लुक की क्या नौत है ये जितनी चीज़ें हैं ये असल में उन तोहमात की तरदीद करते हुए जेर बहस आई हैं लेकिन वो ईमानियात का हिस्सा नहीं है फरिश्तों पर ईमान को ईमानियात का जुज़ बनाया गया है यानी हम जिस तरीके से अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं उसी तरीके से फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं पैगंबरों पर या नबियों पर भी ईमान रखते हैं किताबों पर भी ईमान रखते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मुलाकात के दिन पर ईमान रखते हैं ये पाँचों ईमानियात हैं जिनका हम इस किताब में मुताला कर रहे हैं अल्लाह ताली जिन हस्तियों के ज़रिए से मखलूक के लिए अपना हुक्म नाजिल करते हैं उन्हें फ़रिश्ते कहा जाता है क़ुरान में उनके लिए अलमलायक का लफ्ज़ आया है यानी कुरान ने जिस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिस तरह से इसकी तारीफ़ की है जिस तरह से इन हस्तियों का तारफ़ कराया है जिस तरह से इन में से ख़ास तौर पर जबलील अमीन का जिक्र किया है उससे बिल्कुल वाज़ है कि ये अल्लाह ताली की मखलूक़ात में से एक बड़ी ही गैर मामूली मखलूक है ये मलक की जमा है जिसकी असल मलाक है इसके मानी पैगाम्बर के है। यानी ये लफ्ज़ मलाय ये मलक की जमा है और मलक ये मलक से बना हुआ है इसका मतलब ही पैगाम्बर है पैगाम पहुँचाने वाले अर रसा के मानी में अरबी ज़ुबान में अर रसाला पैगाम को कहा जाता है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चुनाचे यहाँ पर भी इसी को खोला है चायल मलायकत रसुला यानी जो लफ्स के मानी हैं उसी को बयान कर दिया है सूर्य फातिर की जो आयत सरवान है उसमें ख़ुद कुरान ने इशारा कर दिया है कि उन्हें मलाया का नाम इसी मफहम को पेश नज़र रख कर दिया गया है यानी उनके और भी बहुत से पहलू होंगे एक मखलूक की हैसियत से हम नहीं जानते कि वो क्या क्या खिदमत अंजाम देते हैं लेकिन हमारे हां उनके तारुफ की बुनियाद उनका पैगाम बर होना है एक जो मशहूर जो चीज़ है कि मलाइका जो है वो नूर से बनाए गए हैं और जिन्नात जो है वो आग से बनाए गए हैं तो कुरान इस बारे में कोई रहनुमाई फरमाता इस मामले में कोई बात कुरान मजीद में नहीं कही गई ये, ये महज एक क्यास है जिन्नात के बारे में तो ये बता दिया गया है कि वो मादे की जो एनर्जी की फार्म है या जिसको आप आग से ताबीर करते हैं आम जुबान में उससे बनाए गए हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आदम हव्वा के बारे में या इंसान के बारे में ये बताया गया है कि वो मिट्टी से बनाया गया है लेकिन फरिश्तों के बारे में इस तरह की कोई सराहत नहीं है ताहम क्यास किया जाता है ख्याल किया जाता है या ये बात आम तौर पर मानी जाती है क़ुरान मजीद ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं कही उसमें ख़ुद कुरान ने इशारा कर दिया यानी सूरह फातिर की उस आयत में कि उन्हें मलाइका का नाम इसी मफहम को इसी मफहम को यानी उनका पैगामबर होना इसी मफहम को पेश नज़र रख कर दिया गया है चुनाच कुरान इसे मालूम होता है कि आलम लाहूत के साथ इस आम नासूत का रबता उनकी वसात से कायम होता है ये दो ताबीरें हमारे यहाँ कदीम तसवुफ़ में भी इख्तियार की गई हैं फलसफे में भी इख्तियार की गई हैं जाहिर है कि इस तरह की ताबीरें फिर अपने मखसूस पस मंज़र से उठ कर आम जबान का हिस्सा बन जाती हैं तो आलम लाहूत का मतलब ये है कि वो आलम जिसमें अल्लाह ताला उसके फरिश्ते जैसे कुरान मजीद मला आला की तबीर इख्तियार करता है तो वो आलम जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं ये सब मामला जो अल्लाह ताला ताला और अल्लाह के ततलक से हम तक पहुँचते हैं उनका आलम और आलम नासूत यानी ये आलम जिसको हम देखते हैं जिस जिसपे हमें बताया गया है कि सात आसमान हैं ज़मीनें हैं हम उसमें सूरज चाँद सितारे अजराम फलकी को देखते हैं तो ये गोया हमारे लिए मई आलम है जिससे हम वाकिफ़ हैं जिसका हम मुशाहदा कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने तस्वरत कायम करते हैं ये आलम नासूत है चुनाच कुरान ही से मालूम होता है कि आलम लाहूत के साथ इस आलम नासूत का रबत उनकी वसात से कायम होता और इसका तमाम कारोबार अल्लाह ताली उन्हीं के ज़रिए से चलाते हैं यानी अब उस आलम में और इस आलम में उस दुनिया में और इस दुनिया में जो राबे का जरिया है वो क़रन मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते उनके ज़रिए से इस आलम का कारोबार चलाया जाता है उसकी वजह क्या है वो आगे ज़र बहस आएगी इसकी सूरत ये होती है कि बारगा खुदाबंदी से जो हुक्म ने इल्का किया जाता है यानी उनके लिए भी मामले की नौीयत ये नहीं है कि वो बारगा खुदाबंदी में बर रास्त जा के हुम लेते हैं जो हुक्मक़ा किया जाता है जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसको वो एक महकुम महज की तरह उसकी मखलूक़ात में जारी कर देते हैं यानी उनका मामला ये नहीं है कि वो कोई अपने तौर पर इस आलम का नजमो नस्त चला रहे हैं या उनको कुछ इख्तियार दे दिए गए हैं अब आप उनसे भी रबता करके कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं नहीं उनकी हैसियत कुरान मजीद ने बता दिया है कि महकुम महज की है वो हुक्म जो उन्हें ऊपर से मिलता है जो उन्हें इल्का किया जाता है वो उसको आगे पहुंचा देते हैं उस पर अमल दरामद करते हैं जो हिदायत उन्हें की जाती है उसके लिहाज से जो बात कहनी होती है या करनी होती है वो कह देते और कर देते इसकी सूरत ये होती है कि बारगाह खुदाबंदी से जो हुक्म उन्हें इल्का किया जाता है उसको वो एक महकूम महज की तरह उसकी मखलूक़ात में जारी कर देते हैं इस उनका कोई ज़ाती इख्तियार और ज़ाती इरादा कारफ़रमा नहीं होता यानी जो कहा जाता है जितना कहा जाता है जो हदूद मुन कर दिए जाते हैं उनमें वो अल्लाह ताला के अहकाम की तनफीज़ करते हैं अल्लाह ताला के अहकाम का नफाज करते हैं अपना कोई जाती इख्तियार या ज़ाती इरादा फरमा हो नहीं इसकी कोई गुंजाइश नहीं वो सर तपाइत हैं यानी उनका मामला ये नहीं है कि जैसे हम इंसान सरकशी भी कर लेते हैं अपने इरादे और इख्तियार को गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं जन्ात के बारे में भी यही बताया गया है हद ये है कि जो मखलूक़ात बज़ाहिर श नहीं रखती वो भी बहर अपने एक जबिली इरादे का इजहार करती हैं लेकिन उनका मामला ये है कि वह सरतापाइतात जो हुक्म दिया गया उसके सामने सर तस्लीम खम हर वक्त अपने परवरदिगार की हमदो शना में मसरूफ़ रहते हैं ये बात ख़ुद उन्होंने बयान की है ये क़ुर मजीद में जगह जगह बयान हुई है कि उनका वजीफ़ा ज़िंदगी क्या है उनके शब रोज़ क्या हैं जैसे इस दुनिया में हमें भेजा गया है तो हमारे सामने बहुत से मामला हैं जिनमें हम गलतान रहते हैं कोई पढ़ता है कोई लिखता है कोई तहजीब को वजूद में लाता है कोई सियासत करता है कोई मीशत के मामला देखता है कोई मंडी में जाता है कारोबार करता है गरज़ ये कि एक बड़ी भरपूर दुनिया है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे होते हैं लेकिन उनके शव व रोज़ किस में गुजरते हैं हर वक्त अपने परवरदिगार की हमदो शना में मसरूफ़ रहते हैं और उसके हुक्म से सरे मुँह इहराफ नहीं करते यानी वहाँ किसी सरकशी किसी इनहराफ का कोई इम्कान नहीं होता वो अल्लाह ताला के साथ रब में होते हैं उसकी मखलूक़ात के साथ मामला करते हैं सरतपायतात होकर मामला करते हैं कभी किसी सरकशी का उनसे कोई तसवर नहीं किया जा सकता क़ुरान मजीद ने इसको सूर्य नहल में बयान किया है ये उनचास पचास आयत है इरशाद फरमाया वम लायस तकबरून य ख़ाफून रब्बुम बिन फ़ोकम य फ़लोन मायू मरून वो कभी सरताबी नहीं करते यानी पहली बात ये कही है, है कि कभी कोई सरताबी या सरकशी का उनसे अंदेशा नहीं होता वो कभी सरताबी नहीं करते वो अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं यानी इस कायनात के नज़म में त खुदाबंदी अरश से अपना मामला चला रहे हैं और वो उसके नीचे खड़े हैं अहकाम दिए जाते हैं हदायत की जाती हैं वो अपने परवरदिगार से डरते हुए सरतापा एतात उन पर अमल करते हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है यानी कुरान मजीद ने यहाँ अगर आप गौर करें तो तीन चीज़ें कहीं एक ये कि उनसे किसी सरताबी यानी इख्तियार के सए इस्तेमाल का कोई सवाल नहीं है इख्तियार है उनके पास भी इरादा है उनके पास भी लेकिन वो कभी सरताबी नहीं करते कभी सरकशी नहीं करते कभी इनहराफ नहीं करते और अपने ऊपर अपने परवर दिगार से डरते हैं वो तकवा जिसका हमसे मुतालबा किया गया है या खुदा का अंदेशा या खुदा की बारगाह में हाजरी का अंदेशा वो हमेशा उसी में रहते हैं उनको ये मोहलत नहीं दी गई और व यफ़लूमा मरून और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है फरिश्तों पर ईमान का तकाजा जिन वजू से किया गया है यानी अब हम ये देखेंगे कि ये ईमान में क्यों शामिल हो गए एक इतला जैसे जिन्नात के बारे में दे दी गई दे दी जाती ये क्या वजह हुई कि अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है यानी उनके वजूद को मानना ईमान का मतलब क्या है यानी कोई चीज़ आपके इलम में आ गई और अब आपसे तकाजा किया गया है कि आप उसे मानेंगे यानी इस दुनिया में हमें जिस इम्तहान में डाला गया है मैं कई मरतब अर्ज कर चुका हूँ कि वो इलम का भी इम्तहान है और अमल का भी इम्तहान है तो जब कुछ चीज़ें हमारे इलम में आती हैं तो वो क्या चीज़ें हैं कि जो हमारे इलम में आ जाएं तो फिर उनको मानना ज़रूरी है यानी अल्लाह ताला ने जिस इम्तहान में हमें डाला है उसमें दसियों चीज़ें हमारे इलम में आती हैं वो साइंस की चीज़ें हो सकती हैं ज्योग्राफी की चीज़ें हो सकती हैं मीशत की चीज़ें हो सकती हैं माशरत की चीज़ें हो सकती हैं उनको हम बाज़त मानते हैं अपने मफाद को पेश नज़र रख कर बाज़त नहीं भी मानते लेकिन वो क्या चीज़ें हैं कि जिनको जब वो हमारे इल्म में आ जाएं तो मानना ज़रूरी है तो अल्लाह ताला का मामला तो ये है कि क़ुरान मजीद ने भी बता दिया और इंसान भी महसूस करता है कि उसकी रबूबियत का इकरार ख़ुद उसके अंदर मौजूद है इंसान अपने बातिन में उसको पढ़ता है अल्फाज वालदान दे देते हैं माहौल दे देता है माशरा दे, दे देता है लेकिन ये कि अल्लाह ताला के साथ मामले की नौीयत तो ये है कि अपने मखलूक होने का एहसास लाजमी तौर पर उसके वजूद के इकरार तक ले जाता है तो वहाँ तो किसी मजदू की ज़रूरत नहीं होती सवाए इसके कि ये बताया जाए कि जिस हस्ती के बारे में तुम ये ख्याल कर रहे हो कि वो है या ये सोच रहे हो कि तुम्हारे खालिक को ऐसा और ऐसा होना चाहिए तो अम्बिया तुम्हें ये बताएँगे कि उसकी सिफात क्या है उसके सुन क्या हैं और उसकी ज़ात के बारे में तुम कहाँ तक जा सकते हो तो ये हम इसी वजह से सब मुताल कर चुके इससे पीछे पर इमान के बारे में एक हूं कि रसूलों पर ईमान या अल्लाह ताला पर ईमान या आखरत पर ईमान के तो कुरान बेतहाशा दलाइल पेश करता है मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बस सिर्फ कह देने की वजह से हमने मान ली है वो बेतहाशा दलाइल हैं उसके कुरान शरीफ में मगर फरिश्तों पर ईमान की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कोई दलाइल नहीं है वो एक ऐसी चीज़ है कि हमें बस बता दिया और उसको मानना है मेरी नज़र में एटलीस्ट नहीं है अगर आप ने शायद यू you नो know, उसके ऊपर कुछ रोशन डाली उसकी वजह यह है कि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है पैगंबरों पर जब हम ईमान लाते या पैगंबरों का हम इनकार करते हैं तो उससे तो असल में दीन के तमाम मामल स्टेक पर आ जाते हैं यानी अगर हम मानेंगे तो अल्लाह ताला की हिदायत को मानेंगे जो उनके ज़रिए से मिली है। हमारे साथ उनका रबता है बराह रास्त ये असल में दरमियान की कड़ी है तो जब हम पैगंबर को मान लेते हैं तो आगे फिर इस्तलाल की ज़रूरत नहीं रहती ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपने ये मान लिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो अब इस तहक़ीक की ज़रूरत नहीं है कि वही कैसे आती है वो फिर महज़ इतला ही काफ़ी है जब हमने एक बात को एक मुक़दमे को तस्लीम कर लिया कि अल्लाह ताली इंसानों को हदायत देने के लिए अम्बिया को मबूस करता है और पैगम्बर को हमने दलाइल से मान लिया और पैगम्बर को मानने की गायत क्या है आखिरत की जवाबदेही अल्लाह के हुजूर में पेश होना है तो वो तो बुनियादी है, यानी अल्लाह पर सच्चा ईमान अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान और फिर ये ख्याल करना कि एक दिन हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे वहाँ इंसान मुआवजा करता है बहस करता है इस्तलाल की ज़रूरत होती है मानता है या इनकार करता है उन चीज़ों को मान लेने के बाद यहाँ महज अतला काफ़ी तो इस वजह से इसको को बहुत तफसील से मौजूनी बनाया तहम जो बातें कही गई हैं वो आगे ज़र बहस आ जाएंगी फरिश्तों पर ईमान का तकाजा जिन वजू से किया गया है यानी क्यों ईमान का तकाजा किया गया है वो उस्ताद इमाम अमीन असन इस्लाही अपनी तफसीर में इस तरह बयान यानी ये कि क्या बायस हुआ है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इलम में तो और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं मसल जन्नात के बारे में भी कुरान मजीद ने हमें बहुत सी मालूम दी हैं लेकिन ईमान का तकाजा नहीं किया उन पर यहाँ ईमान का तक किया गया है क्या सबब है क्या वजह है ईमान बिल किताब और ईमान बिल रसुल का एक गैर मुनफक जुज़ ईमान बिलमल का है यानी हम किताब पर ईमान लाते हैं अल्लाह की किताब पैगंबरों के साथ आई ईमान बिल किताब और दूसरी चीज़ क्या है ईमान बिल यानी जब हमने ये माना कि इस कायन के खालिक ने हमारी हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला जारी किया है रसुल का सिलसिला जारी किया है और उनको किताब दी है और उस किताब में हमें अपने लिए हिदायत पानी है और अगर कोई मज़ब के मामले में दीन के मामले में खलफशार होगा इख्तलाफ होगा तरद होगा तो उस किताब की तरफ रजू करना है और उसकी रोशनी में फ़ैसला हासिल करना है तो ये ईमान बिल किताब होगा ईमान बिल किताब पर ईमान रसूलों पर ईमान इन दोनों का एक गैर मुनफक जुज़ यानी ग़ैर उनसे कभी अलग नहीं होता अगर आप इसको मानेंगे तो वो मानना पड़ेगा जुज़ ईमान बिल्बल का है इससे वो बात भी वाज़े हो गई जो अभी एक सवाल में जेर बहस थी कि ये असल कोई चीज़ नहीं है बल्कि जब हमने किताब पर ईमान कबूल किया और रसूलों पर ईमान कबूल किया तो अब ये सवाल लाजमी तौर पर पैदा हुआ कि किताब कहाँ से आई है रसूलों के साथ अल्लाह ताला का रब्ता कैसे हुआ है तो एक रबिते की हैसियत से ये मानना ज़रूरी हो गया तो ये गैर मुनफक जुज्व है यानी असल की बजाय गोया ईमान बिल किताब और ईमान बिलरस का एक लाजमी तकाजा है मलाया को माने बगैर खुदा और उसके नबियों के दरमियान का वास्ता गैर वाज़े और गैर ग़ैरम रह जाता है यानी आप जब मजबियात की दुनिया में दाखिल होते हैं और इस कायन के परवरदिगार को मानते हैं तो परवरदिगार को फ़लसफ़े की सतह पर मानना तो महज ये मानना है कि इस कायनात को किसी ने बना दिया अब ये कवानीन के मुताबिक चल रही है लेकिन जब आप दीन में ये मानते हैं तो इसका मतलब है कि एक हई एक कजूम एक जिंदा हस्ती को आप मान रहे हैं आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो महज इस कायनात का महर्रिक अव्वल नहीं है महज इलतुल इल्ल नहीं है बल्कि एक ऐसी हस्ती है कि जिसका आपके साथ मा वक्त गहरा ताल्लुक है और वो आपको हिदायत देता है आपकी रहनमाई करता है उससे एक दिन मुलाकात होनी है तो अगर आप ये मानते हैं और फिर उसके बाद ये भी मानते हैं कि उसकी हिदायत रसूलों के ज़रिए से आई है या किताबों में लिख कर दी गई है तो फिर इसके दरमियान का वास्ता गैर वाज़ और गैरम नहीं होना चाहिए यानी बताया जाना चाहिए कि ये कैसे मिली है किस तरह से आई है इसमें इसका नागजीर तकाजा है यानी ईमान ब रसालत का एक एक फरा इस लिहाज से भी बन जाती है ना कि लोग रसालत के दावे के बाद जो रसूल पर सबसे पहला एतराज़ करते हैं वो ये कि ये इसका अपना कोई वहम या शैतान का इलका है तो वो लाजम करता है रसूल तो फिर ईमान ब रसालत भी महकम होता है यानी उसका रसूल होना उसकी किताब का खुदा की किताब को होना ये खुद ये सवाल पैदा कर देता है कि कैसे आई है तो ये ज़रूरी था कि इस सवाल का जवाब दिया जाए इसलिए इसको ईमानियात में शामिल किया गया मलाइका को माने बगैर ख़ुदा और उसके नबियों के दरमियान का वास्ता गैर वाजे और ग़ैरम रह जाता है जिसके गैर वाजे रहने से ना सिर्फ़ सिलसिला इल्म हिदायत की एक नहाय अहम कड़ी गुमशुदा रह जाती है बल्कि हिदायत आसमानी के बाब में अकल इंसानी को गुमराही की बहुत सी राहें भी मिल जाती यानी अगर ये ना माना जाए ये बात के अल्लाह ताला मलाइका के ज़रिए से अपने फरिश्तों के ज़रिए से पैगाम रसानी कर रहे हैं ये किताब अल्लाह के फरिश्ते लेकर आते हैं पैगंबर को अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है अगर ये ना माना जाए तो इससे क्या नतीजा निकलता है इससे यह नतीजा निकलता है कि ये फिर वाजे नहीं होता कि जो शख़्स हमारे सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं खुदा की तरफ से मामूर हूँ मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया है मैं कोई फ़लसफ़ी और हकीम नहीं हूँ मैंने अपनी कोई तहक़ीक तुम्हारे सामने पेश नहीं की मुझे परवरदिगार ने इस जिम्मेदारी पर खड़ा किया है अगर आप गौर करके देखें तो रिसालत में आप ने अपने खुदा की तरफ होने की जो एक कतई दलील पेश की है कुरान मजीद में वो क्या है ये बताया है कि ये जो किताब मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ ये जो कलाम मेरी ज़ुबान पर जारी हो गया है क्या आज से पहले तुमने कभी शायरों की तरह अदीबों की तरह फलसफियों की तरह मुझे गौरव फिक्र करते कलाम वजूद में लाते तसनीफ़ करने के लिए तैयारियाँ करते देखा फ़कत लबिस्तो फ़ीक उम्र मैंने तो एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है यानी ये हो कैसे सकता है कि मेरी ज़ुबान पर इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज़ आई नहीं मुझे कभी तुमने इसकी तैयारी करते देखा ही नहीं मेरे यहाँ कोई उस नोयीत का इरतका कहीं पाया ही नहीं जाता कि जो आम तौर पर इंसानों के यहाँ पाया जाता है तो इसको दलील के तौर पर पेश किया है अब जाहिर है कि जब ये सूरत हाल है तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि फिर आपके पास ये चीज़ आई कहाँ से अगर आप ये नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये किलम व हदायत के सिलसिले की एक अहम कड़ी गुम हो गई यानी अब ये पता नहीं चल रहा कि ये कह तो रहे हैं लेकिन पाते कहाँ से हैं बल्कि इंसान के लिए भी फिर उसमें बहुत सी तुर्क ताज़ियों के दरवाज़े खुल जाते हैं ये बात तो दुनिया हमेशा से मानती आई है कि खुदा है यानी ये चूँकि एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने मखलूक होने के लाजिम के तौर पर इसको मानता है ये बात तो दुनिया हमेशा से मानती आई है कि खुदा है और ये बात भी उसने हमेशा महसूस की है कि जब वो है तो उसे अपनी मर्ज़ियात से अपने बंदों को आगाह भी करना चाहिए यानी हर आकिल जब ये मान लेगा कि इस कायनात का एक परवर है तो उसके अंदर फितरी तलब होनी चाहिए कि फिर मेरा खुदा मुझे क्यों बनाए हुए है ये कायनात क्यों वजूद में आई है मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है मैं इतने बड़े शौर को लेकर पैदा होता और उसके बाद मौत के हवाले हो जाता हूँ तो मुझसे क्या चाहा गया है क्यों भेजा गया है मुझे इस दुनिया में तो ये खुदा की मर्जियात का इल्म है यानी क्या चाहते हैं वो बना के क्या चाहते हैं भेज के क्या चाहते हैं जिंदगी और मौत के इस कारखाने में मुझे डाल कर क्या चाहते हैं मेरे साथ जो मामला हो रहे हैं खैर क्यों या शर के उनसे मकसूद क्या है और मुझसे तकाजे क्या हैं तो ये खुदा की मर्जियात हैं जिनको अगर आदमी बेशूर ना हो तो लाजमन चाहता है कि मालूम हो जाए उसे पता चले क्या चीज़ है ये बात तो दुनिया हमेशा से मानती आई है कि खुदा है और ये बात भी उसने हमेशा महसूस की है कि जब वो है तो उसे अपनी मर्ज़ियात से यानी वो क्या चाहता है मर्जियात वो क्या चाहता है अपने बंदों को आगाह भी करना चाहिए लेकिन जब वो कभी बेनकाब और रू होकर हमारे सामने नहीं आता तो सवाल पैदा होता है कि आखिर वो जरिया और वास्ता क्या है जिससे वो खल्क़ को अपने अहकाम व हदयात से आगा करता है यानी ये है वो सवाल जिसका जवाब ईमान बिलमल की सूरत में दिया गया है कि जब मुझे ये खालिक की हैसियत से मान कर ख्वाहिश पैदा होती है कि मुझे पता चले कि मैं क्या हूँ मेरे परवरदिगार ने मुझे क्यों बनाया है मुझसे क्या चाहा है अब वो मुझसे क्या चाहता है और अगर मेरी और उसकी मुलाकात होनी है तो उसके लिए मुझे क्या तैयारियाँ करनी ये खुदा की मर्ज़ियात इल्म है तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हासिल हो अब जब ये, ये हासिल हो तो दो ही सूरतें हो सकती थी एक ये कि एक दिन शूर की उम्र को पहुँचने के बाद हर आदमी की तलबी होती और अल्लाह ताला बराह रास्त रू दर्रू होकर बेनकाब होकर ये बता देते जब नहीं बताते तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो जरिया और वास्ता क्या है जिससे वो खल को अपने अहकाम वदायात से आगा करता है ये ज़रूरत पैदा हुई अगर इस मकसद के लिए उसने अपने ख़ास ख़ास बंदों को मंतख किया है जिनको अम्बिया और रसुल कहते हैं तो बैन ही यही सवाल उनके बारे में भी उठता है कि इन नबियों और रसूलों को वो अपने इल्म और हिदायत से आगाह करने का क्या जरिया इख्तियार करता है यानी अगर इसका जवाब कि अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ियात से अल्लाह क्या चाहते हैं उससे बंदों को नबियों और रसूलों के ज़रिए से आगाह करते हैं अगर आप इस सवाल पर पहुंच गए कि मेरा एक परवरदिगार है उस परवरदिगार ने मुझे बनाया है और अब मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं ये जानूं कि क्यों बनाया है क्या मकसूद है जाना कहाँ है मुलाकात होनी है मुलाकात होनी है तो उस मुलाकात के लिए क्या तैयारी करनी है अगर ये चीज़ ठीक है तो फिर जाहिर है कि इसमें जवाब यही दिया जाएगा कि अल्लाह की मर्ज़ियात से आगाह करने के लिए पैगंबर, नबी और रसूल वो भेजे गए हैं तो फिर ज़ाहिर है इस सवाल पैदा हो जाएगा कि उन नबियों और रसूलों के साथ क्या अल्लाह का मामला बरह रास्त होता है अगर तो उसका जवाब ये होता कि बरह रास्त होता है तो बात ख़त्म हो जाती लेकिन ऐसा नहीं होता जब नहीं होता तो फिर इस दूसरे ज़रिए का भी मालूम होना चाहिए इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताली और उसके नबियों के दरमियान इलम का वास्ता वही है यानी अल्लाह ते अब इस वही यहाँ मुराद है कुरान मजीद में वही का लफ्ज़ कई मानी में इस्तेमाल हुआ है वो जो जबिली हिदायत मखलूक़ात को दी गई है उसके लिए भी वही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लेकिन क़ुरान मजीद वही को एक असलाह के तौर पर यानी वो रबते का ज़रिया जो अल्लाह और बंदों के दरमियान कायम होता है अम्बिया रसल के हवाले से तो उसको इससे तबीर करता है इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताली और उसके नबियों के दरमियान इलम का वास्ता वही है जो वो अपने फरिश्तों बिलखसूस अपने मुक़र्रब फरिश्ते जबरील के ज़रिए से भेजता है यानी ये हमें बताया गया कि वही कैसे आती है जबरीलेमीन अमीन लेकर आते हैं अल्लाह के फरिश्ते लेकर आते हैं अमीन फरिश्तों के जिलों में आते हैं वो अल्लाह के अहकाम पहुँचाने के लिए आते हैं तनहा भी आते हैं और फरिश्तों की जमात के साथ भी आते हैं ये फरिश्ते खुदा की सबसे ज़्यादा पाकिज़ा और बरतर मखलूक हैं ये फरिश्ते खुदा की सबसे ज़्यादा पाकिज़ा और बरतर मखलूक हैं यानी जिन मखलूक के बारे में हमें इलम दिया गया है उनमें सबसे ज़्यादा बरतर मखलूक फरिश्ते ही और अपने किरदार अपनी सीरत अल्लाह ताला ती तस्बी तकदीस में मशगूलीत के लिहाज से सबसे ज़्यादा पाकीज़ा भी हैं ये सब बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं इनके अंदर ये सलाहियत है यानी अब ये गोया वो बर्तर मखलूक हैं किस पहलू से इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये बर रास्त खुदा से वही अक्स कर सकते हैं वही और इसालत के साथ फरिश्तों के इस गहरे ताल्लुक़ की वजह से नबियों और किताबों पर ईमान लाने के लिए इन पर ईमान लाना भी ज़रूरी हुआ यानी ईमान लाना क्यों ज़रूरी हुआ, हुआ? महज इतला मिल जाती काफ़ी था लेकिन इसको ईमानियात का जुज बना दिया गया पांच ईमानियात हैं हमारे जिनमें अल्लाह ताला पर ईमान के बाद फ़रिश्तों पर ईमान भी ज़रूरी है तो ये क्यों ज़रूरी हुआ कि इन पर ईमान लाया जाए ताकि अल्लाह ताला के और बंदों के दरम्या जो वास्ता है वो बिल्कुल मुतिन हो जाए यानी पता चल जाए कि अगर हमें अल्लाह ताली की हिदायत नबियों और रसूलों से मिलती है तो नबियों और रसूलों को अल्लाह ताली की हिदायत ज़रिए से मिलती है गोया अल्लाह के जो पैगंबर जिनको हम पैगंबर मानते हैं वो अगर हमारे लिए पैगंबर हैं तो पैगंबरों के लिए फरिश्ते पैगंबर हैं वो हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं और उन तक अल्लाह के फरिश्ते उसका पैगाम पहुंचाते हैं वही और इसालत के साथ फरिश्तों के इस गहरे ताल्लुक़ की वजह से नबियों और किताबों पर ईमान लाने के लिए इन पर ईमान लाना भी ज़रूरी हुआ ये ईमान लाना क्यों ज़रूरी हुआ उसकी तफसील की जा रही है फरिश्ते और क्या क्या करते हैं वो ज़ेर बहस नहीं है वो हज़ार काम भी करते होते अगर ये जो दरमियान की कड़ी है ये मसला न बनती तो महज इतला होती अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूक है हमें भी बता दिया जाता पसंद किया जाता बता दिया जाता कोई मसला ज़ेर बहस होता तो हमारे इल्म में भी कोई चीज़ आ जाती मैंने अर्ज़ किया कि जिन्हों का मामला कुरान मजीद में जेर बहस शायद ना आता लेकिन आने की वजह ये हुई कि कुछ तोहमात थे कुछ अकायद थे कुछ इल्ज़ाम लगा दिए गए कुरैश ने कुछ सवाल उठा दिए ख़ुद कुरान के बारे में ये कह दिया गया तो अब ये वाज करना ज़रूरी हुआ कि जन्नत कौन है उनकी हकीकत क्या है उनके साथ अल्लाह ताला का मामला क्या है यानी वहाँ गया लोगों के हवाले से एक ज़रूरत पेश आई तो वह मौजूद बन गया हो सकता है कि फरिश्तों के मामले में भी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आती तो बता दिया जाता लेकिन ईमानियात में शामिल करने की वजह ये हुई ताकि वो कड़ी वाजे हो जाए अब इससे ख़ुद ब खुद ये मालूम हुआ कि जब हम कहते हैं ये ईमानियात हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें जो ज़िंदगी में इम्तहान में डाला गया है उसके तकाज़े से क्या चीज़ें माननी ज़रूरी हैं यानी अल्लाह ताला को मानना ज़रूरी है इसलिए कि हमारा खालिक है अल्लाह तला का पैगाम कौन लेके आता है इंसानों तक फरिश्ते लेके आते हैं उनको मानना ज़रूरी है किन तक पहुंचाते हैं क्या सब इंसानों तक बर रास्त पहुँचा देते हैं नहीं अल्लाह ताली के ख़ास ख़ास बंदों तक पहुंचाते हैं जिनको नबी और रसूल कहा जाता है उनको मानना ज़रूरी हुआ उन नबियों और रसूलों को बाज़ात किताब दे दी जाती है तो किताब पर ईमान लाना नागज़िर हो गया क्योंकि ये बता दिया गया कि किताब ही असल में फ़ैसला कन होती है वो हकम है उसी के ज़रिए से तुम दीन के बारे में सही जगह पर पहुंचते हो और सही फैसला करते हो और ये सब कुछ किस लिए है इसलिए कि एक दिन हमें उस परवरदिगार से मिलना है तो मुलाकात के दिन पर ईमान लाना तो ये ईमानियात इस तरह बने हैं गोया यूँ समझ लीजिए कि एक ही चीज़ है अल्लाह पर ईमान और अल्लाह का हमारे साथ ताल्लुक और अल्लाह ताला के साथ हमारी मुलाकात जिसके तमाम लवाज़न को जमा करके आपने ईमानियात बना दिए हैं तो पाँचों ईमानियात ये इस पहलू से ईमानियात है अच्छा इसमें एक सवाल ये था कि ये फरिश्ते असल में अल्लाह और रसूल के दरमियान जो मीडियम है कम्युनिकेशन का उसका सबूत देते हैं कि रसूल ख़ुद से कोई बात नहीं करता लेकिन हमने ये भी सुन रखा है कि रसूल को ख्वाब के ज़रिए भी वही आती है तो वहाँ पर तो फिर वही सवाल पैदा हो जाता है जो फरिश्तों को ना मान के पैदा होता है शुर शूरा के आखिर में अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दिया है कि वही कैसे होती है यानी ख्वाबों में वही होता है जो हम में से सबके साथ होता है बस फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जब अल्लाह ताला कोई ख्वाब दिखाते हैं तो वो मुबशरात बन जाते हैं और उनके ज़रिए से गोया बशारतें दी जाती हैं पैगम्बरों के ख्वाबों की नौीय असलन यही है उनमें कुरान मजीद का कोई हिस्सा कभी ख्वाब में नहीं है वही बता दिया गया है कि वही किस तरह से आती है वो तीनों सूरत शराय शुरा के आखिर में बता दी गई हैं उनमें कहीं ख़्वाब का कोई जिक्र नहीं है वही और रसालत के साथ फरिश्तों के इस गहरे ताल्लुक़ की वजह से नबियों और किताबों पर ईमान लाने के लिए इन पर ईमान लाना भी ज़रूरी हुआ ये खुदा और उसके नबियों और रसूलों के दरमियान खुदा और उसके नबियों और रसूलों के दरमियान रसालत का फरीज़ा अंजाम देते हैं यानी गोया रसालत का फरीज़ा नबी और रसूल हमारे और खुदा के दरमियान अंजाम देते हैं और नबियों और रसूलों के और खुदा के दरमियान फरिश्ते रसालत का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और इस एबार से <coughs> <बाद> की <coughs> ये नागुज़ीर हैं कि यही एक ऐसी मखलूक है जो आलम लाहूत और आलम नासूत दोनों के साथ यकसा रब्त रख सकते हैं यानी अब गोया ये बात भी वाजें रहनी चाहिए कि क्यों ये रास्ता इख्तियार किया गया वजह क्या बनी तो बताया गया है कि असल में हमारे आलम के दरमियान और उस आलम के दरमियान खुदा का बराह रास्त रबता इसका हम तहमुल नहीं कर सकते थे सैदना मूसा इस्लाम ने यही दरख्वा पेश कर दी थी कि आप खुद ही निकाब उठा दें मैं देख लूँ आपको तो फिर बताया गया कि मामला ये नहीं है कि मुझे नकाब उठाने में कोई माने है मामला ये है कि तुम इसका तहमुल नहीं कर सकते ये खुदा और उसके नबियों और रसूलों के दरमियान रसालत का फरीजा अनजाम देते हैं और इस एतबार से ये नागजीर हैं कि यही एक ऐसी मखलूक है जो आलम लाहूत और आलम नसूत दोनों के साथ यकसा रब्त रख सकते हैं यानी इधर हमारे पास आते हैं तो हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं होती यानी ऐसा नहीं है कि तज़ली से आप मूसा इस्लाम की तरह बेहोश हो गिर पड़े और उधर भी रबता रखने की सलाहियत रखते हैं ये अपनी नुरानियत की वजह से खुदा के अनवा तजलियात के भी मतहमल हो सकते हैं और अपनी मखलूकियत के पहलू से इंसानों से भी इतान पैदा कर सकते हैं यानी जो उनकी शख्सियत है जिस तरह उन्हें बनाया गया है उसमें मला से या अल्लाह ताला के आलम से उनका रबित भी मुमकिन है और चूँकि वो भी एक मखलूक है हम भी एक मखलूक़ हैं यानी ऐसा नहीं है कि परवरदिगार हैं कायनात के मालिक हैं खुदा का कोई हिस्सा हैं खुदा की ज़ात से हैं मखलूक है जैसे हम मखलूक़ हैं वैसे ही वो भी मखलूक है तो उनका हमारे साथ भी रब पैदा होना मुमकिन हो जाता है इनके सिवा कोई और मखलूक खुदा तक रसाई का ये दर्जा और मकाम नहीं रखते यानी ऊपर से रब के लिए अल्लाह ताला की यही मखलूक मौजूद थी इस वजह से ज़रूरी हुआ कि नबियों और रसूलों पर ईमान लाने के साथ साथ उन रसूलों पर भी ईमान लाया जाए जब खुदा और उसके रसूलों के दरमियान रसालत का वास्ता है तो ये गोया खात्मा एक कलाम हो गया कि ये भी रसालत ही है जिस पर हम ईमान ला रहे हैं सिर्फ ये कि रसालत दो हिस्सों में तकसीम हो गई रसालत जो खुदा और रसूलों के दरमियान है और रसालत जो खुदा के रसूलों और हमारे दरमियान है तो ये रसालत ही पर ईमान है रसालत क्या है पैगाम पहुँचाना अल्लाह ताला का मैसेज हम तक पहुंचा देना तो रसालत असल मकसूद है हम बंदे हैं हमें अल्लाह ताला ने एक इम्तहान में डाला है इस इम्तहान में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है रसालत यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचे अल्लाह की मर्ज़ियात से वाकफियत हो अल्लाह हम बंदों से क्या चाहता है ये हमारे इल्म में आए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इस ज़रूरत को अल्लाह के पैगंबर और पैगंबरों के लिए अल्लाह के फरिश्ते पूरा करते हैं तो ये गोया पूरा का पूरा मामला है जिसको वाजे कर दिया गया सर इसमें जो बात अब तक समझ में आ रही है मेरे वो ये कि अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम कुरान से यखज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का डायरेक्ट हमसे किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि वो डायरेक्ट हो सके एक तो तोहरा पर्दे के लिहाज से भी लेकिन अगर नबियों को भी अल्लाह ताला अपना कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो मुमकिन नहीं है कि वो डायरेक्ट कर सकें उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है और वो मीडियम जो है वो सिर्फ़ फरिश्ते ही हो सकते हैं जो कि दोनों को सहार सकते हैं दोनों से रबता लेकिन ये कि इंसान जो है वो डायरेक्ट अल्लाह से रबता को नहीं सहार सकता लेकिन ये कि ब सिर्फ इस दुनिया तक क्योंकि हम जो क्यामत की बातें अल्लाह ताला बताते हैं कि वो कहते हैं कि उस दिन रोशनी सूरज से नहीं अल्लाह के नूर से होगी अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा इंसानों से तो वो फिर डिफरेंट हमारी हियत डिफरेंट होगी इससे इस, इस वजह से है या ये बहुत वाजे है कि जब हमें दोबारा उठाया जाएगा तो नई सलाहियतों के साथ उठाया जाएगा कुरान मजीद ने उसमें बहुत सी बातें बयान कर दी हैं यानी हमारी देखने की क़ूतें हमारी सुनने की क़वतें बयान किया गया ना कि हम जहाँ बैठे होंगे तो वहीं से एक नज़र जहन्नम पर भी डाल लेंगे गुफ्तू करना चाहेंगे तो वहीं से कर लेंगे तो अभी तो ये है कि हम आलात के ज़रिए से अपनी ये सलाहियतें बढ़ाते हैं लेकिन नए नवामीस और नए कवानीन के साथ बनाया जाएगा शख्सियत यही होगी लेकिन हमारी कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो वहाँ दूर कर दी जाएंगी ऐसे ही ये बताया गया है कि यहाँ लोग खूबसूरत भी होते हैं बदसूरत भी होते हैं ज़रा कम खूबसूरत भी होते हैं लेकिन वहाँ सब लोग गोया बड़ी उम्दा सूरत में बनाए जाएंगे जवानी के आलम में बनाए जाएंगे तो ये ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर औरतों के बारे में ये कहा है कि हमने उन्हें दोबारा उठाया है और एक नए ही इंशा के साथ नई ही सूरत में उठा दिया है उनके अंदर बहुत ख़ूबियाँ पैदा कर दी हैं तो यही मामला मर्दों के साथ भी होगा वहाँ पर क्या होगा अल्लाह ताला क्या सलाहियतें बख्शेंगे वो वहाँ का मामला है यहाँ की सूरत हाल ये है कि बहुत सी मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया और उनको वो शौर भी नहीं दिया जो हमें दिया है हमें बाशोर मखलूक बनाया है लेकिन बहुत सी बशरी कमज़ोरियों के साथ जन्नत के बारे में भी ऐसे ही वो हमसे बरतर हैं अपनी खिलकत के लिहाज से लेकिन बहर वो भी कुछ कमज़ोरियाँ रखते हैं फरिश्तों के बारे में ये बता दिया गया है कि वो ये सलाहियत रखते हैं इस वक्त कि हमसे भी रब्त रखें और उधर भी रब्त रखें इस वक्त अब इस नशस्त का वक्त ख़त्म हो गया